के मैदान पर इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है। खेल के तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया और खासतौर से दो खिलाड़ियों ने इस बात को लेकर चर्चा बढ़ा दी है कि क्या मॉडर्न क्रिकेट के दो सबसे बड़े मैच विनर है, खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट के। हम बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा की, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 250 छक्के पूरे कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात जसप्रीत बुमराह की करें तो व्हाइट बॉल के साथ हर मैच के साथ वो बेहद खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। और ऐसे में तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को अब ये दोनों खिलाड़ी ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट के दो सबसे बड़े मैच विनर अगर बैटिंग और बॉलिंग में कोई नजर आता है तो वो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह है। अब जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने संकेत दिए और जिस तरह का परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा का देखने को मिलता है, उसको उसके बारे में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम की क्या राय है, जो पूर्व क्रिकेटर और साथ ही सेलेक्टर भी रह चुके हैं, सबा भाई से जान लेते हैं। सबा भाई, पिछले 5 सालों में, यानी कि पिछले 5 सालों में 125 छक्के लगा चुके हैं रोहित शर्मा, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 100 के आंकड़े को पार किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में खासतौर से। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई सबसे डेंजरस और सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित पिछले 5 सालों में अपनी पहचान बना चुके हैं? राज, पिछले 5 साल में रोहित शर्मा का जो स्टॉक्स है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये दर्शाता है कि वो एक निश्चित रूप से बहुत बड़े मैच विनर हैं और जब जब उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है वहाँ पर भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और उन्होंने इस तरह के रन्स ना ही केवल भारत ने बनाए हैं पर कठिन परिस्थितियों में भी रन्स बनाए हैं, ओवरसीज कंडीशन में भी इस प्रकार के रन बनाए हैं। और इसी वजह से इस समय वो कप्तान है टीम के, जिम्मेदारी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही फॉर्म अगर आगे रहेगा रोहित शर्मा के साथ तो मुझे लगता है भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती रोहित शर्मा के साथ इस समय है उनके फिटनेस, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सपोर्ट स्टाफ है भारतीय टीम का वो उनके फिटनेस लेवल्स को हमेशा मॉनिटर करता रहे, प्रिकॉशन के रूप में भी अगर उनको रेस्ट देना हो वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय भारत को चाहिए रोहित शर्मा एक कप्तान के रूप में, एक फिट एथलीट के रूप में, जो ICC के जो इवेंट्स होने वाले हैं, इस साल विश्व कप है T20 का, नेक्स्ट ईयर है विश्व कप वनडे क्रिकेट का, इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स में जो ICC इवेंट्स में उसके लिए वो अवेलेबल रहे। सभा भाई, क्योंकि आपने फिटनेस की बात की, अगर फिटनेस का उनका जो मापदंड है अगर थोड़ा नीचे है उसके साथ वो बॉल को इतने अच्छे से पिक कर रहे हैं और इतने फीसम फास्ट बॉलर्स को मैदान के बाहर भेज देते हैं, हम सब इमेजिन करें अगर वो फिट है, विराट कोहली के स्टैंडर्ड की फिटनेस है या टीम में और बाकी जो फिट खिलाड़ी है उस तरह से अगर रोहित शर्मा हो जाए तो क्या करेंगे, जिस तरह से वो डोमिनेट करते हैं खासतौर से 30 और 40 रन बनाने के बाद। हाँ राजीव, पर उनके खेलने का अंदाज कुछ अलग है। टाइमिंग के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, अन्य खिलाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है टाइमिंग उनके लिए एक लग्जरी है, बहुत कम खिलाड़ियों को ये इस प्रकार का गिफ्ट मिलता है। पर रोहित शर्मा के पास टाइमिंग उनके लिए एक नेसेसिटी है, जिस तरह से हम लोगों के लिए डेली जिंदगी में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और यही बहुत बड़ी बात है रोहित शर्मा के बल्लेबाजी में, चाहे वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर बल्लेबाजी करना हो, स्पिनर्स के विरुद्ध बैटिंग करना हो, अब तो एक नए माइंडसेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव, जिस तरह की बातें उन्होंने मैच शुरू होने के पहले या फिर T20 श्रृंखला शुरू होने के पहले या एक दिवसीय श्रृंखला शुरू होने के पहले जो कही थी प्रेस में कि अब हम एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करना चाहते हैं, देखिए बोलना बड़ा आसान है और उस पर अमल करना बहुत कठिन होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिस तरह से कप्तान ने इस बात पर डटे रहे हैं, उस पर अमल किया है खुद उस प्रकार की बल्लेबाजी करके, तो ये ना ही केवल एक बहुत ही मजबूत संदेश है विपक्षी टीमों के लिए पर खुद अपने टीम मेंबर्स के लिए भी कि मैं कप्तान हूँ, मैं तैयार हूँ आप लोगों को बैक करने के लिए और मैं जा रहा हूँ सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए और मेरा रुख अब से आगे से यही होगा। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है भारतीय टीम में। सो भाई, क्योंकि इंग्लैंड वो कंट्री है जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, तमाम हमने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को देखा है स्विंग के सामने घुटने टेकते हुए, लेकिन एकमात्र ऐसे रोहित शर्मा बैट्समैन है, खासतौर से 2013 जब आप सिलेक्टर थे आपने उनको ओपनिंग कराया, उसके बाद से इंग्लैंड में तो लगता है मानो उनका दूसरा घर है, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से वो इनिशियली बहुत कॉशियस स्टार्ट करते हैं, देन काउंटर अटैक करते हैं और वो भरपाई कर देते हैं जो 15-20 बॉल शुरू में खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट डबल हो जाता है और
कैसे आप देख रहे हैं इंग्लैंड में उनका सक्सेस रेट बहुत हाई है, खासतौर से 2019 वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने की बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की थी 2013 में, 2015 चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप याद करें वहां पर भी वो उन्होंने बहुत ही धुआंधार खेल का प्रदर्शन किया था, 2017 माफ कीजिएगा, कैसे आप देखते हैं इंग्लैंड क्यों उनको इतना ह्रास आता है? देखिए, तीन तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलती है रोहित शर्मा में। एक तो वो डिस्ट्रॉयर हैं गेंदबाजी के लिए, दूसरी बात यह है कि वो इन्फोर्स करते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, अपने आप को इम्पोज करते हैं, और तीसरी बहुत बड़ी बात है कि वो स्टेबलाइज भी करना जानते हैं। अगर कंडीशंस कठिन हैं तो वहाँ पर वो पकड़ कर खेलते हैं, बल्ले को शरीर के करीब रखते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते हैं छोटी गेंदों का, या फिर इंतज़ार करते हैं ख़राब गेंदों का, फिर उस पर वो बरस पड़ते हैं। पर जब से कप्तानी ली है रोहित शर्मा ने, तब से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है राजीव। इसीलिए मैंने इसके पहले भी कहा था कि वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने सही कहा था कि पहले ऐसा होता था कि जब वो आते थे बैटिंग करने के लिए थोड़ा समय लेते थे और उसके बाद वो एक्सेलरेट करते थे। अब उसमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है इस जब से ये T20 शुरू हुआ है। कल के ही अगर हम मुकाबले में देख लेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट, जब वो 25-26 रन पर खेल रहे थे तब उनका स्ट्राइक रेट 120-121 था और वहाँ से बढ़ता ही गया, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये जिस एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अब वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बड़े बड़े स्कोर हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ अभी भी बाकी है रोहित शर्मा को अचीव करने के लिए एक बल्लेबाज के रूप में। वो और भी रूथलेस हो सकते हैं, और भी वो शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, और तेज गति से रन बना सकते हैं, और ढेर सारे रन बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बेसिक्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, अब उसको और आगे वो बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक क्या जो एक्स्ट्रा सेकंड की हम बात करते हैं रोहित शर्मा की बैटिंग में, क्या वो काम आती है इंग्लैंड में? बाकी के बल्लेबाज शायद कमिट हो जाते हैं जल्दी खेलने के लिए, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा सेकंड है रोहित शर्मा के पास, जो अपने शॉट्स खेलने का या जिस तरह से वो अपने बैटिंग में उस एक्स्ट्रा सेकंड को अप्लाई करते हैं, क्या आप इस वजह से देख रहे हैं कि इंग्लैंड में उनका सक्सेस रेट बहुत हाई है बाकी के बल्लेबाजों से? इवन टेस्ट क्रिकेट में भी जब से उन्होंने ओपन करना शुरू किया है बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है, जो के राहुल के साथ उन्होंने स्टार्ट्स दिए थे। देखिए, एक्स्ट्रा सेकंड हम लोग कहते हैं, पर एक्स्ट्रा सेकंड आपको मिलता कब है? आपको एक्स्ट्रा सेकंड तब मिलता है जब आप लेट खेलने के लिए तैयार है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में वही विशेषता है, वो बहुत देर में खेलते हैं, और जहाँ पे कंडीशंस कठिन है, विशेष करके इंग्लैंड में जिस तरह के कंडीशंस मिलते हैं, वहाँ पर कोई भी बल्लेबाज लेट खेलेगा उसको फायदा ज्यादा होगा। जो रूट को अगर आप देख लें, जो रूट भी कितना लेट खेलते हैं, लेट खेलने का फायदा तो बहुत सारा होता है, पर लेट खेलना एक 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 कला है, और सबके पास ये कला है नहीं। कई सारे बल्लेबाज जूझते रहते हैं इस कला को पाने के लिए, और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पोजीशन जल्दी होनी चाहिए, तभी आप लेट खेलेंगे। जब तक कि आपकी पोजीशन जल्दी नहीं होगी, आप लेट खेल नहीं सकते हैं, फिर आप हमेशा हड़बड़ाहट में रहेंगे बॉल को खेलने के लिए। तो सबसे बड़ी बात रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में वही है कि जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं, उसके बाद वो खेलते हैं लेट, इसीलिए शॉर्ट गेंदों को इतना अच्छा खेल लेते हैं। और नीचे मारने का, कभी नीचे पुल शॉट भी नीचे रखने का प्रयास करते नहीं है, क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी अच्छी है, उनको पता है कि उतने अच्छे पोजीशन में आ गए हैं, यहाँ से अगर ऊपर मारेंगे तो सीधा स्टैंड में वो मार सकते हैं। तो इस तरह की खूबियां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में है। और क्या सवाल भाई, उन्होंने एक दहशत पैदा कर दी है, आगे का बॉल तो अच्छा खेलती है, जिस तरह से वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, इंडियन क्रिकेट में बहुत रेयर ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी को इतने अच्छे से हैंडल किया। बहुत पहले जिमी अमरनाथ याद आते हैं, जिन्होंने एक टाइम था जब उन्होंने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में जाके बहुत रन बनाए। लेकिन क्या रोहित शर्मा आप कह सकते हैं कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी के बेस्ट बैट्समैन है जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया एवर, और क्या मॉडर्न क्रिकेट के सबसे खतरनाक बैट्समैन है आप ये मानते हैं? देखिए, कल हम लोग पोस्ट मैच जो शो कर रहे थे राजीव, उसमें ये बात उठाई गई थी कि क्या रोहित शर्मा सबसे अच्छे पुलर या फिर सबसे अच्छे हुकर हैं इस समय मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो मेरा वो जवाब यही था कि अगर हम वैल्यू फॉर शॉट्स देखेंगे तो सबसे ऊपर है रोहित शर्मा इस समय। एक और खिलाड़ी जो कि मॉडर्न डे ग्रेट रहा है, जो जिसने शॉर्ट गेंदों पर अच्छा खेला है या पुल शॉट बहुत अच्छा करते थे, वो है रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग अपने ज़माने में आपको भी याद होगा कि फ्रंट फुट से वो पुल करते थे, पर इन दोनों में जो अंतर है कि जब रिकी पोंटिंग पुल शॉट करते थे तो उनका जो पुल था बहुत ज़्यादा फियर्स था, बहुत जोर लगाकर वो शॉट खेलते थे। एक अंतर रोहित शर्मा में यह है कि बड़ा ही बहुत ही जेंटल तरीके से शॉट पुल शॉट लगाते हैं या फिर हुक शॉट लगाते हैं, और उनको पूरा का पूरा वैल्यू मिलता है। तो ये एक अंतर है, पर दोनों ही कमाल के शॉर्ट बॉल पर खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो कट हो और या फिर पुल शॉट हो या फिर हुक शॉट क्यों ना हो।
पर इस समय मुझे लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे शानदार बल्लेबाज पुल शॉट का विशेष करके, शॉर्ट गेंदों का विशेष करके अगर कोई है तो वो है रोहित शर्मा। यानी आप मानते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में खासतौर से रोहित शर्मा इन दिनों जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, रिसेंटली जो भी टीम के पास अवेलेबल बैट्समैन है उनमें सबसे खतरनाक है रोहित शर्मा? हाँ, इस समय तो मानना होगा, क्योंकि इस तरह की शुरुआत जो देते हैं वो, इस तरह के शॉट्स वो खेलते हैं और लगता ही नहीं है कि उनके उसमें कोई एफर्ट है, और आसानी से वो शॉट्स लगा सकते हैं। तो मीलो आगे हैं अभी अन्य बल्लेबाजों से, विशेष करके इस प्रकार के कंडीशंस में। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि शॉर्ट बॉल को खेलना आसान होता नहीं है, पर रोहित शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो रोहित शर्मा पे सवा भाई की बेबाक राय आपने सुन ली। अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट बॉल के दूसरे बड़े मैच विनर की, यानी कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की। और जसप्रीत बुमराह का व्हाइट बॉल के साथ जैसा सफर रहा है, ग्रेट से ग्रेटेस्ट बनने की तरफ क्या वो आगे बढ़ रहे हैं, इस पर सवा भाई की राय जानना बेहद जरूरी है। सवा भाई, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है इंग्लैंड में खासतौर से, और अलग अलग कंट्रीज में जाके जिस तरह से वो अडॉप्ट करते हैं, वो चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्हाइट बॉल के साथ हो, रेड बॉल की बात नहीं कर रहा मैं, व्हाइट बॉल के साथ जिस तरह से इफेक्टिव होते हैं, क्या वो ग्रेटेस्ट गेंदबाज बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बॉलर है जिसको खेलना बहुत कठिन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जसप्रीत बुमराह एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जो बहुत जल्दी परख लेते हैं कि कौन से विकेट पर किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सबसे बड़ा आपकी जो चुनौती होती है कि एक तो ये पिक करना कि कौन से लेंथ पर आपको बॉलिंग करनी है विकेट के नेचर के हिसाब से, और दूसरी बात ये होती है कौन से बल्लेबाज को किस लेंथ पर बॉलिंग करना। तो बल्लेबाज के क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसको देखना, उसको परखना, और उसके मुताबिक अपने गेम प्लान बनाना। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इस समय नंबर एक है, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं, बल्लेबाज के हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं, और हमेशा से एक मेन स्टे साबित हो रहे हैं इस समय भारतीय टीम के लिए, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट हो। सवा भाई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी ग्रेट फास्ट बॉलर में या ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में। हमने वसीम भाई, जो मेरे फेवरेट गेंदबाज है, उनके उनका जब मैं एनालिसिस देखता तो वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी आउट करते थे और जब लोअर ऑर्डर आता था तो साफ ही कर देते थे। जसप्रीत बुमराह का कल जब हमने बॉलिंग देखी तो वो जो रूट जॉनी बेस्टो जैसे बल्लेबाजों को आउट करते हैं, फिर जैसे ही टेलेंडर्स आते हैं दो ओवर में मैच को, इनिंग्स को ही खत्म कर देते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह की ये ताकत उनको मॉडर्न क्रिकेट में, जैसे कि रोहित के लिए हमने पूछा कि वो क्या दुनिया के नंबर एक व्हाइट बॉल के मैच विनर है, क्या जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में नंबर एक मैच विनर लगते हैं आपको, ये सब जो उनकी स्पेशलिटीज है? हाँ, जिस तरह की क्वालिटीज़ हैं बुमराह में, निश्चित रूप से एक ऐसे वाइट बॉल क्रिकेट में वो बॉलर हैं जिनको खेलना बहुत कठिन होता जा रहा है। इस प्रकार की क्वालिटीज़ और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलती नहीं है। और ये हम लोग सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा पेस बॉलर है जो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलता है, और तीनों फॉर्मेट में जो एफिकेसी है वो नज़र आती है, और तीनों फॉर्मेट में ये एक 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 मैच विनर है अपनी टीम के लिए। और इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है कि उनके लेंथ को जल्दी पिक करना, उसके साथ साथ जो मूवमेंट वो जनरेट करते हैं, एंगल वो बदल कर बॉलिंग कर सकते हैं, उनके पास कई सारे वेरिएशंस हैं, वो यॉर्कर डाल सकते हैं, वो स्लोअर डिलीवरी डालते हैं, फिर वो छोटी डिलीवरी डाल सकते हैं, तो इस तरह के वेरिएशंस, उसके ऊपर से अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं है, और हमेशा वो निरंतरता नज़र आती है, कुछ ना कुछ सीखने की वो तमन्ना नज़र आती है, जो कि बहुत बड़ी बात है जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में। सवा भाई, क्योंकि कल जब हम शो कर रहे थे आप थोड़ा लेट जुड़े थे, एक जो बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कही थी कि बहुत जल्दी एडॉप्ट करना, वो जानते हैं जसप्रीत बुमराह, क्या वो जो जो उनका दिमाग चलता है गेंदबाजी में, क्या इसी वजह से उनको कप्तान बनाया गया था टेस्ट मैचेस में, कि वो क्रिकेट को थोड़ा बेहतर तरीके से बाकी लोगों से अच्छा समझते हैं? क्योंकि कल जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे सुन रहा था, उनकी गेंदबाजी से ज्यादा मैं उनकी बातचीत से इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने जाके शमी को भी बोला कि आपको किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है इस पिच पे, जब उन्होंने अपना दूसरा ओवर डाला था, पहला शमी ने डाला, दूसरा जसप्रीत बुमराह ने डाला, और उसके बाद उन्होंने जाके शमी से बात की। कैसे आप देखते हैं ये जो एक तो कॉम्बो में जो इफेक्टिव होते हैं शमी और बुमराह, जहाँ पे बुमराह अक्सर विकेट निकालते हैं और शमी अक्सर प्रेशर बनाते हैं, कल तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि 6-3 9 विकेट दोनों गेंदबाज देखे गए। ये जो क्रिकेट को समझने की बात है, कंडीशन को समझने की बात है, उसमें कितने नंबर आप देंगे बुमराह को?
देखिए राजीव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़रूरी है खुद अपने अपने गेम को जानना, और उसमें जसप्रीत बुमराह नंबर एक है। उसके साथ साथ ये जान लेना कि कौन से विकेट पर किस लेंथ पर बॉलिंग करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि वहाँ पर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत कम होता है। अगर आप लेंथ आपने ठीक नहीं पकड़ी तो फिर जो बल्लेबाज है वो तैयार रहता है आप पर वार करने के लिए, और विशेष करके इस प्रकार के कंडीशन में जहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन से मदद मिल रही है, ये बहुत कम बार व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर बहुत जल्दी ये पिक कर लेना कि यहाँ पर कौन सा लेंथ सही होगा, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसी पर बात की थी कल जसप्रीत बुमराह ने, उन्होंने अच्छी बात कही जिसके बारे में बात भी कर रहा था कल, के वो कम्युनिकेशन दोनों प्रीमियर बॉलर्स में अगर है तो उससे दुविधाएं बढ़ जाती हैं विपक्षी बल्लेबाजों के लिए, और कल के मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। तो बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लेना कि यहाँ पर मुझे बॉल थोड़ी ऊपर रखनी है क्योंकि विकेट में थोड़ा मॉइस्चर है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, यहाँ से बॉल ज़्यादा कांटा बदलेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, यही विशेषता है जसप्रीत बुमराह की, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको खेलना बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तो भाई आखिरी सवाल, क्योंकि रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने अकेले इंग्लैंड को हरा दिया, यानी कि दो खिलाड़ी 11 पे भारी पड़ गए। अब दूसरा जो वनडे मुकाबला है वहां इंग्लैंड की साथ दांव पे लग गई, क्योंकि T20 सीरीज वो हार चुके हैं, अब वनडे सीरीज भी हार जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो 2-2 से बराबर हो गई थी। कितना टेरर होगा इस समय जसप्रीत बुमराह का और रोहित शर्मा का, खासतौर से जिस तरह से वो टूट पड़े थे इंग्लिश गेंदबाजों पर। सिर्फ इन दोनों ही प्लेयर्स का नहीं राजी, मैं तो कहता हूँ भारतीय टीम बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, और अब समय आ रहा है भारत के लिए कि वो अब विश्व कप की तैयारियां शुरू कर दें। 15 महीने हैं अभी भी, पर अब आपको कम से कम थोड़ा बहुत वो जो टैलेंट है, वो जो कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना होगा। और क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के प्लेयर्स हैं, मुझे तो लगता है कि भारत अब इस प्रकार के पोजिशन में आ गया है राजीव, जहाँ पर हमको एक नए सिरे से अब वनडे क्रिकेट में परिवर्तन हम ला सकते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड ने कुछ साल पहले वो परिवर्तन लाया था एग्रेसिव बल्लेबाजी करके, उसी तरह से क्या भारतीय टीम उस पोजीशन में आ गई है कि हम अपने लिमिट्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जो हमने बाउंड्री लगा के रखी हुई है उसको और हम एक्सटेंड करें। मेरे विचार में अब वो समय आ चुका है, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की टीम है, हमारे पास उस प्रकार के बल्लेबाज हैं, उस प्रकार के गेंदबाज हैं। अब क्या हो गया है नॉर्म इस समय, देखिए राजीव, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि अब 300 पहले का 250 हो गया है, तो क्या भारत हाँ रेगुलरली 350 बना सकता है 300 के हिसाब से? क्योंकि भारत में उस प्रकार की क्षमता है, भारत में अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं, क्या हम दूसरी टीमों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 250 के अंदर, जिस तरह की हमारी गेंदबाजी हम उस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह के अटैकिंग माइंडसेट रोहित शर्मा ने दिखाया हम वो कर सकते हैं, कल ही जिस तरह से फील्ड सजाई रोहित शर्मा ने, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किया, जिस तरह से उन्होंने 11 चुने, उसमें पांच आपके पास रेगुलर बॉलर्स हैं, तो ज्यादा विकल्प बचता नहीं विपक्षी टीमों के पास। वो जिम्मेदारी दे रहे हैं 6 बल्लेबाजों के ऊपर कि आप ही को रन बनाने होंगे, वो जिम्मेदारी दे रहे हैं 5 बॉलर्स को कि आपको विकेट लेना होगा। मुझे अब वो कंटेनमेंट वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, मुझे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और सवा भाई की बातों में इसीलिए बहुत दम नजर आता है, और सवा भाई जो एनालिसिस करता है वो इतना सटीक होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप इंग्लैंड टीम को याद करें, 498 रन बनाए थे, यानी कि सामने नेदरलैंड जैसी टीम थी, कमजोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी अगर आप 500 रन बना देते हैं 550 ओवर की क्रिकेट में, तो फिर आपकी बल्लेबाजी की डेप्थ नजर आती है। बहरहाल इंग्लैंड का हाल फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ये इंग्लैंड खुद देख रही है, 110 रन पे वो आउट हो गए और 10 विकेट से मैच हार गए, यानी जब ओपोनेंट आपसे बेहतर खेला तीनों डिपार्टमेंट में, तो फिर इंग्लैंड के पास कोई चांस नहीं था। और ऐसे में इसीलिए हम दूसरे T20 मुकाबले पर और डिटेल में एनालिसिस लेकर आएंगे शाम 7:30 बजे। सभा भाई होंगे हमारे साथ, कुछ और खास मेहमान होंगे, इनसे बहुत डिटेल में हम प्रीव्यू करेंगे दूसरे T20 मुकाबले के बारे में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, और तमाम हमारे जो दर्शक और व्यूवर जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।